हेलो दोस्तों, मैं मोनू शर्मा फिर से आपके लिए लेकर के आया हूँ एक नया प्रोजेक्ट, एक नई लोकेशन के ऊपर में। मैं अगर लोकेशन की बात करूँ तो हम फिलहाल अभी इस समय खड़े हुए हैं लॉरेंस रोड के ऊपर में। लॉरेंस रोड वेस्ट दिल्ली की एक बहुत ही जानी मानी लोकेशन है, आप सभी इससे अवेयर होंगे। प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ, ग्रुप की अगर मैं बात करूँ, तो गैलेक्सी ग्रुप का प्रोजेक्ट है। गैलेक्सी ग्रुप के बारे में आप जानते ही हैं, गैलेक्सी ग्रुप ने ग्रेटर नोएडा नोएडा के अंदर कम से कम 5 से 6 अपनी डिलीवरीज दी हुई हैं। दिल्ली के प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो इनके करीब 5 प्रोजेक्ट्स यहाँ पर ऑन गोइंग है। आपका नेताजी सुभाष प्लेस पे हो गया, आपका रोहिणी हो गया, आपका नवल्टी चांदनी चौक हो गया, पश्चिम विहार हो गया, और इसके अलावा ये लॉरेंस रोड पर अपना 5वां प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं जो कि रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट रहने वाला है। तो इस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम इसकी कनेक्टिविटी की बात करते हैं, तो हम फिलहाल अभी इस समय लॉरेंस रोड पर खड़े हुए हैं। लॉरेंस रोड के बिल्कुल सामने अगर आप देखेंगे तो इसके अपोजिट जो है फायर ब्रिगेड का ऑफिस पड़ता है, जहाँ उसके बाद में बिल्कुल उसके अपोजिट ये प्रोजेक्ट है। कनेक्टिविटी की अगर हम दूसरी बात करें तो आपका एक साइड आपका NSP और आजादपुर पड़ता है, दूसरा रिंग रोड बिल्कुल सामने है, तो रिंग रोड ये आपको जो है IGI एयरपोर्ट से जोड़ता है। तो कनेक्टिविटी के हिसाब से बेस्ट लोकेशन है। अगर मैं इसके आसपास के एरिया की अगर मैं बात करूँ तो पंजाबी बाग से पूरा इसका कैचमेंट जुड़ा हुआ है, तो लग्जीरियस इसके आसपास की जितनी लोकेशन है सारी लग्जीरियस क्लास की लोकेशन है यहाँ पर। दूसरी मैं बात करता हूँ मेट्रो स्टेशन की, आज की डेट में लाइफ लाइन जो मानी जाती है वो मेट्रो स्टेशन ही मानी जाती है। तो मेट्रो स्टेशन इस पर वॉकिंग पर ही है, शक्कुरपुर का मेट्रो स्टेशन लगता है जो आपको यहाँ पर सूट करेगा। इसके अलावा अगर मैं ट्रेन की बात करूँ, जो बड़ी वाली हमारी ट्रेन होती है, तो शक्कुर बस्ती का रेलवे स्टेशन यहाँ से बहुत नज़दीक है, तो आपको कनेक्टिविटी के हिसाब से यहाँ पर बेस्ट कनेक्टिविटी मिलने वाली है। 3.3 एकड़ के अंदर ये टोटल प्रोजेक्ट कंपनी लेकर के आई है, जिसके अंदर कि आपको 3 BHK, 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर, और इसके अलावा 4 BHK, ये 4 साइजेस यहाँ पर ये लेकर के आए हैं। 3 BHK जो हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो 2271 स्क्वायर फीट से शुरू हो रहा है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट आता है जो 3 BHK के अंदर, हमारे पास 2 साइजेस और भी जो सर्वेंट क्वार्टर के साथ आपको मिलते हैं। एक हमारा है 2552 स्क्वायर फीट, दूसरा हमारा आ जाता है 2645 स्क्वायर फीट, और अगर मैं 4 BHK की बात करता हूँ तो 4 BHK हमारा 3054 स्क्वायर फीट के अंदर आ जाता है। तो अगर साइजेस के हिसाब से भी अगर आप देखते हैं तो साइजेस के हिसाब से एक बहुत सफिशियंट साइजेस आपको मिलने वाले हैं, जो कि आपको यहाँ पर रहने में एक लग्जीरियस फील देगा। अगर मैं कॉमन एमिनिटीज की बात करूँ तो आपको यहाँ पर हर वो चीज़ मिलने वाली है जो दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर में आप इजिली मिल जाती है, जैसे कि आपका क्लब हो गया, आपके गार्डन्स हो गए, आपका टेनिस कोर्ट हो गया, आपका किड्स प्ले हो गया, तो वो सारी एमिनिटीज आपको यहाँ पर मिलती ही मिलती हैं। इसके अलावा अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूँ तो आप देखेंगे ये 2 साइड लोकेशन का प्रोजेक्ट है। आपको 2 गेट इसके अंदर मिलेंगे एंट्री एग्जिट के, एक गेट हमारा एक साइड से आएगा जो हमारे फायर ब्रिगेड की साइड को फेस करता है, और दूसरा जो हमारा गेट आएगा वो हमारा दूसरा गेट इसके जस्ट अपोजिट आएगा, जो कि आपको यहाँ पर एक पार्क से फेस करेगा। उस पार्क को भी डेवलप यही ग्रुप करेगा, तो आपको एक बेस्ट लोकेशन मिलने वाली है। इस बेस्ट लोकेशन के अंदर में आपको ये प्रोजेक्ट केवल 4 टावर्स यहाँ पर जहाँ पर कि ये लोग बना रहे हैं, 336 टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स हैं, तो एक बहुत ही लो डेंसिटी यहाँ पर रहने वाली है। आपको कोई भीड़ भड़ाका नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। डबल बेसमेंट के अंदर पार्किंग के अंदर आपको ये फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो डबल बेसमेंट की पार्किंग के साथ में जो हमारी हाइट है वो 3 BHK साइजेस की हाइट है हमारी G+22 की, और जो 4 BHK का हमारा साइज है उसकी हाइट है G+24 फ्लोर की। तो हर चीज़ के अंदर ये आपको बेस्ट एक एक एमिनिटीज़ के साथ में एक बहुत ही अच्छी यहाँ पे सोसाइटी बना करके डेवलप करके देने वाले हैं। दोस्तों अगर मैं पेमेंट प्लान की अगर मैं बात करूँ तो पेमेंट प्लान इन्होंने बहुत ही सुंदर डिज़ाइन किया है। पेमेंट प्लान आपको बुकिंग के टाइम पर 1 महीने के अंदर 35% की पेमेंट पूरी करनी है। जो आपकी नेक्स्ट पेमेंट आती है वो आपकी आती है सुपर स्ट्रक्चर पर, जब आपकी बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी 22 मंजिल या 24 मंजिल की जो भी आपकी बिल्डिंग होगी, जब उसका पूरा सुपर स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा तो नेक्स्ट आपको 35% देना है। जो आपका रेस्ट 30% बच जाएगा वो आपको देना है परचेसिंग के टाइम पर। तो इससे ब्यूटीफुल पेमेंट प्लान भी आपको आराम से कहीं नहीं मिलता है, तो वो यहाँ पर हम लोग आपको देने जा रहे हैं। मैं अगर लोन की बात करूँ तो आपको लोन बहुत इजीली यहाँ पर नेशनलाइज बैंक से आपको अवेलेबल है, तो अगर आप चाहें तो लोन के थ्रू भी जा सकते हैं। पोजीशन की अगर मैं बात करूँ तो 2027 के अंदर इन्होंने पोजीशन आपको कमिट की है। काम आप देख ही रहे हैं, काम इनका शुरू हो चुका है, हम अभी इस समय साइट पर ही खड़े हुए हैं। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है 2027 के अंदर, ये आपको डिलीवरी देंगे यहाँ पर। तो 2027 में आप अपने एक ड्रीम होम के अंदर शिफ्ट हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस लोकेशन के दूसरे प्रोजेक्ट से, अगर मैं इस प्रोजेक्ट को कंपेयर करूं तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है टार्क का, जिसकी अगर मैं प्राइजेस की बात करूं तो आज की डेट में वो लोग 25,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वहाँ पर चार्ज कर रहे हैं।
एक यहाँ पर अपकमिंग प्रोजेक्ट और भी है जो आने वाला है, गोदरेज का एक प्रोजेक्ट यहाँ पर आने वाला है और उनका भी जो प्राइस यहाँ पर निकल करके आने वाला है वो करीब करीब अराउंड 25,000 रुपए के आसपास ही निकल रहा आएगा। मैं अगर इस प्रोजेक्ट के प्राइस की अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर आपको इन प्राइजेस के कंपेरिजन में लगभग लगभग आधे प्राइस के ऊपर में ये सोसाइटी के अंदर आपको अपना ड्रीम होम बुक कराने का मौका मिल रहा है। तो दोस्तों सोच क्या रहे हो, जल्दी कीजिए, आज ही डिसाइड कीजिए और बाकी डिटेल्स लेने के लिए मेरे को मेरे नीचे दिए हुए नंबर्स के ऊपर में कॉल कीजिए, मैं आपको बेस्ट प्राइस इस बेस्ट लोकेशन के ऊपर अवेलेबल कराऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। नमस्कार दोस्तों, दोबारा भी जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।